प्रथम तहलका न्यूज। चंडीगढ़ में खाद्य आपूर्ति विभाग के एसीएस पीके दास ने विधायक असीम गोयल के धरने पर बैठने को लेकर प्रतिक्रिया दी। दरअसल जहां विधायक ने अधिकारी पर किसानों को परेशान करने के आरोप लगाए थे, वहीं अधिकारी ने कहा कि मेरी खरीद बिल्कुल सही चल रही है। विधायक असीम गोयल के आरोपों पर पीके दास ने क्या कुछ सफाई दी, आप भी सुनिए। अधिकारी ने आग लगाने की कोशिश की, धत्ता बताने की कोशिश की। आज प्रदेश का किसान, प्रदेश का व्यापारी भाई और मजदूर साथी परेशान है। वो गर्मी में सवेरे 5 बजे लाइन में लगता है, किसान साथी शाम तक उसका पोर्टल पे नंबर नहीं चढ़ता, धान बेचने की परमिशन नहीं मिलती। 6 महीने से उसने अपने सोने की राखी की है, आज वो सोने को बेचने के लिए सड़कों पे धक्के खा रहा है। मैं इस तानाशाही और ईगो के खिलाफ बैठा हूँ। एक अधिकारी ने पूरे सिस्टम को, उसे किसान साथी मिले उनको उसने हड़का के भेजा, व्यापारी साथी मिलते उनको चोर बताता है। और मैं एक बात कहता हूँ कि मैं 5 लाख लोगों का बेझा हुआ वकील हूँ। मैं सैर सपाटा करने के लिए चंडीगढ़ में नहीं आया। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा मुझे प्यार किया, मेरे हल्के को बहुत ज़्यादा विकास के नाते वो लेकर गए, तभी मैं दोबारा जीत के आया। लेकिन जिन लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो किसान व्यापारी मजदूर जो लगातार मुझे आशीर्वाद देते हैं, अगर वो आज तंग है तो मेरा चुप बैठना बिल्कुल भी जायज नहीं है। तो इसका मतलब है कि अफसर सही हावी है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कह रहा, कहीं अधिकारियों के दिमाग में सरकार से ऊपर अपनी एक ईगो होती है। अच्छा। मैं आज तक किसी और अधिकारी के खिलाफ ये बात नहीं की। कोई अधिकारी होता है जो अपने आप को, अपनी ईगो को सरकार की नीतियों से ऊपर समझता है, और उस अधिकारी के खिलाफ आज ये धरना लगाया, सांकेतिक धरना है। अगर वो ठीक नहीं मंडियों के, तो आपने मुख्यमंत्री से बात नहीं किस बारे में? देखिए, सब चीजें आदरणीय मुख्यमंत्री जी की और सबको संज्ञान में भी है, वो जनप्रिय नीतियों को लागू करने की तो आपको नहीं सुनिए सर, सुनिए आपने मुख्यमंत्री से बात की होगी, मुख्यमंत्री जी से बताई होगी, क्योंकि देखिए एक अफसर को लगाने में सीएम साहब का बहुत बड़ा रोल होता है। मुख्यमंत्री जी और सबको, कई बार अधिकारी, कई बार वो चीजें एक दूसरा पहलू, वो हर एक व्यापारी को चोर बताता है, कई चीजें दूसरे तरीके से रख देते हैं। हम भी व्यापारियों के साथ जाते हैं तो हमें कह देते हैं आप चोरों का साथ देने के लिए आगे। जब एक अधिकारी के मन के अंदर इतनी नफरत है किसानों के प्रति, व्यापारियों के प्रति, मजदूरों के प्रति, वो उस सीट पे बैठ के न्याय नहीं कर सकता। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा किसी के खिलाफ, ऐसे अधिकारी के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मंडियों की व्यवस्था वो ठीक करे, अपनी गलती माने, जो उसने ईगो अपनी ऊपर कर रखी है पॉलिसियों से ऊपर, अपनी ईगो को दूर करके, मेरा उस अधिकारी से भी व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, वो मंडियों की व्यवस्था ठीक कर दे, मैं उसके साथ हूँ। आपके आज के धरने से आपको लगता नहीं कि कांग्रेस को आपने मुद्दा दे दिया कि जो है भाजपा के खुद के विधायक जो है धरने पे बैठे? राजनीति करने के लिए इस धरने पे नहीं बैठा हूँ, कोई और विधायक सरकार का बैठेगा भी नहीं, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। लेकिन मैं विधायक, मेरी जनता ने बनाकर भेजा हूँ, मेरी जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। आज वो परेशान है, अगर वो दर दर की ठोकरें खा रही है तो मेरा भी चैन से बैठने का, आपका कब तक बैठने का मूड है यहाँ पे? मैं केवल आज सांकेतिक धरने में बैठा हूँ, उठ रहा हूँ, लेकिन सोमवार को बड़ा धरना, अगर सोमवार तक ये मंडियां ठीक नहीं चली, सोमवार को बड़ा धरना। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है उनसे भी बात करेंगे इस मामले को लेकर? मुझे जहां बात करनी पड़ेगी मैं जरूर करूंगा। मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से, उस अधिकारी से भी मेरा कोई व्यक्तिगत रोष नहीं है, लेकिन अगर वो मंडियों की व्यवस्था को ठीक नहीं किया तो धरना सोमवार को। सरकार द्वारा खरीद के लिए काफी अच्छा इंतजाम किया गया है, और इस बार भी रबी फसल जैसा आढ़तियों और मिलर द्वारा कोशिश किया गया कि सरकार को ये खरीद के दौरान ऐसे कुछ बातों के लिए मजबूर किया जाए जिसको सरकार समझते हैं कि किसान के हित में और ट्रांसपेरेंसी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन खरीद ठीक चल रही है और एक सिस्टम के तहत चल रही है, इसीलिए मैं मानता हूं कि जो खरीद के हो रही है वो ठीक हो रहा है। जहाँ तक विधायक महोदय द्वारा धरना देने की बात है, ये उनका एक राजनीतिक कार्यकलाप है, उसके बारे में सरकारी अधिकारी होने के नाते मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सरकार में हर एक फैसला जो है वो एक निश्चित स्तर पर होता है, और जो हमारे इस बार की पैडी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी और पैडी मिलिंग पॉलिसी, ये दोनों उचित जो स्तर है वहाँ निर्णय लिया गया है। तो सुना नहीं, और क्योंकि वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं तो उनके जो टिप्पणी है उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा।